पर शिकायत आ गई। माही वह यूनिवर्सिटी का बहुत काबिल लड़का है, इस बार उसे अपनी दूसरी पोजीशन बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसकी जगह तुमने ले ली है। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, सर ने मुस्कुराकर उसे समझाया। बिगड़ा हुआ अमीरजादा, माही बड़बड़ा कर सर झटकती उठ गई। मेराज खुदा के लिए गुस्सा थूक दो, आरिफ उसे आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं मिडिल क्लास लड़की क्या समझती है खुद को, स्कॉलरशिप पर स्टडी कर रही है, उसे उसकी औकात का पता होना चाहिए। अनाबिया की डायलॉगबाजी पर अरीब ने उसे घूर कर देखा। मेराज ने अपने बालों पर हाथ फेरा, फिर झटका देकर बाल बिखार दिए। इस तरह वह और भी खूबसूरत लगने लगा। माही जर्रार, मेरी दुश्मन नंबर वन। अभी वह मेराज को नहीं जानती कि ये दोस्तों के साथ जितना नर्म दिल है दुश्मनों के लिए उतना ही खतरनाक, लेकिन वह बहुत जल्द ही मान जाएगी। वह घड़ी में टाइम देखता उठ खड़ा हुआ था, उन्हें अपना पीरियड अटेंड करना था। अब भी देखे तो सही, मैं आज आपके लिए क्या लाई हूँ। माई ने अपने बैग से डिब्बी निकालते हुए जर्रार साहब के सामने की। तो मेरे बेटे ने पहली पोजीशन हासिल कर ही ली, वह खुश होकर बोले। जान गए थे कि वह कामयाब होकर लौटी है। माही अपने हर रिजल्ट पर अपने बाप को के लिए कोई ना कोई तोहफा ज़रूर लाती थी, आज घड़ी लाई थी। जर्रार साहब को घड़ियों का शौक़ रहा था और यह शौक़ उनका माही पूरा कर रही थी। माही, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फिजूल में पैसे खर्च ना किया करो, संभाल कर रखो। फौजिया ने कमरे में आते ही उसे टोका तो वह हमेशा की तरह मुस्कुरा दी। अम्मा, मैं अपने अब्बी के लिए लाखों भी खर्च कर दूं तब भी कम है। आज बजान का फ़ोन आया था, वह कल आएगा और तुम्हारे अब्बा को चेकअप के लिए ले जाएगा। माँ की बात पर उसे हैरानी हुई, इस बार उसे कैसे ख्याल आया कि अब्बी दिल के मरीज़ हैं और हर दो हफ्ते बाद चेकअप कराना होता है। माही के मुँह पर शिकायत आ गई। माही, वह हमारा ही खून है, हमारी ही औलाद है, इस तरह तंज ना किया करो। फौजिया गुस्सा हुई। अम्मा, क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? आप हमेशा उसे ऐसे ही डिफेंड करती हैं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप उसे इसका एहसास दिलाएं कि हमें भी उसकी ज़रूरत है। उसे यह नज़र नहीं आता कि अभी किस हाल में है। क्या मुझे अपने भाई की ज़रूरत नहीं? आप जानती हैं कि वह हमेशा मेरी गैर मौजूदगी में ही आता है, मुझसे बिना मिले चला जाता है। क्या मुझे उससे मोहब्बत नहीं? क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होती होगी? मैं सांस लेने को रुकी, फिर बोलना शुरू किया। मैं इस घर का खर्चा कैसे पूरी करती हूँ यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अभी की पेंशन तो इलाज पर लग जाती है, बजान 2-3 महीनों बाद 20,000 खैरात कर देता है, उससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। अक्सर मुझ पर ऐसे दिन भी आते हैं कि मेरे पास बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं होते, जबकि मेरा भाई महंगी गाड़ी में घूमता फिरता है, लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है। उसकी ज़िंदगी की हर सहूलत आराम हासिल है, उसे ज़िंदगी की हर सहूलत आराम हासिल है। मैं उसे कुछ भी नहीं मांगती, मुझे सिर्फ वह मोहब्बत चाहिए जो एक भाई बहन से कटता है। मैं इस पर भी कसूरवार ठहराई जाती हूँ। वह टिबिया बंद करती हुई बाहर निकल गई। जर्रार साहब ने दुख से बीवी को देखा। तुम अपने बेटे की मोहब्बत में इतना भी पागल ना बनो कि बेटी को दुख हो। मैं माही का दुख नहीं देख सकता, बाजान से कहना मुझे कल नहीं जाना। जर्रार साहब नाराज़ होकर व्हील चेयर चलाते कमरे से चले गए। नमरा, कहाँ देख रही हो? ये लो, इन्हों पकड़ो। माही और नमरा दोनों फोटोकॉपी शॉप पर खड़ी थीं। माही को अहम नोट्स की कॉपी कराकर क्लास में बांटनी थी। माही ने मुड़ कर देखा, मेराज और अनाबिया एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले जा रहे थे, जबकि अरीब फ़ोन पर नज़रें जमाए आगे बढ़ रहा था। नमरा उधर ही देख रही थी। माही ने नोट्स का रोल उसकी कमर पर दे मारा। नमरा करा कर सीधी हुई, क्या मुसीबत है यार, तुम क्या लोफरों को घूरने में लगी हो? माही ने रोल उसे थमाया, तुम मेराज को लोफर कह रही हो? माही, मेराज जैसा हैंडसम बंदा तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं मिलेगा। हैंडसम, माही तंज से हंस दी, इंसान बाहर से नहीं अंदर से खूबसूरत होना चाहिए। अनाबिया की किस्मत देखो, उसे इतना हैंडसम अमीर और अच्छा लड़का मिला है। नमरा की नज़रें अभी तक मेराज का ही पीछा कर रही थी। उफ, माही ने बेबसी से सर झटका। क्लासरूम में आकर माही स्टूडेंट्स में नोट्स बांटने लगी। नमरा खामोशी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। माही जब नोट्स बांटती हुई बीच वाली लाइन में पहुंची तो मेराज टांग पर टांग रखे फ़ोन में बिजी था। माही ने बगैर कुछ कहे नोट्स उसके सामने रख दिए। यह क्या है? उसने तल्ख लहजे में पूछा। नोट्स किस लिए? सर शहनवाज ने कहा था कि मैं अपने बनाए हुए नोट्स क्लास में बांट दूँ। यह कहते हुए उसने नोट्स अरीब को थमाए। तुम्हें क्या लगता है, मेराज तुम्हारे नोट्स इस्तेमाल करेगा?
पर तीखे अंदाज में हंस दिया। जानती हो तुम्हारे इन नोट्स की मेराज की नज़र में क्या औकात है? उसने नोट्स फाड़े और दीवार पर दे मारे। जवाब में माही सारे नोट्स अरीब के सामने पटक कर बाहर निकल गई। नमरा उसके पीछे भागी। क्लास में भिनभिनाहट शुरू हो गई। मेराज, अगर तुम्हें नोट्स नहीं चाहिए थे तो लेने से इनकार कर देते। इन्हें पूरी क्लास के सामने फाड़ कर फेंकने की क्या ज़रूरत थी? अरीब ने आवाज़ में गुस्सा दबाकर कहा। अरीब, मैं नोट कर रहा हूँ। तुम आजकल उसकी कुछ ज़्यादा ही साइड लेने लगे हो। मेराज ने उसे घूरा। यार, कुछ ख्याल किया करो, वह हमारी क्लासमेट है और हम उस तुम्हारे दोस्त हैं। अनाबिया ने फौरन ही उसे सपोर्ट दी। वह लड़की जो कोई भी हो, लेकिन मुझे इस तरह डिफीट नहीं दे सकती। मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। जंग की शुरुआत उसने की है, अब भुगते। मेराज ने कंधे उचकाए और फ़ोन में बिजी हो गया। खैरियत तो है ना, तुमने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? बाजान कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। एक ज़रूरी बात करनी थी, वह उसकी तरफ देख कर बोली। तब तक बाजान वेटर को आर्डर नोट करा चुका था। बाजान, मैंने बड़े अब्बू से तुम्हारे बारे में बात की थी। तुम जानते हो कि वह मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने हमें बाप का प्यार दिया है, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैंने कहा कि मैं अपने कुलीग से शादी करना चाहती हूँ। मैंने यह भी बता दिया कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। इतना कहकर वह रुकी थी। वेटर ने काफ़ी के दो मग ला के उसके सामने रखे थे। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वह जानने के लिए बेचैन था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी शादी को नामुमकिन भी बना सकती है। रमीज़ा की बात ने बाजान को फ़िक्रमंद कर दिया। वह क्या? वह उलझा। बाजान, हमारे यहाँ अदला बदले की शादी का रिवाज है। जहाँ बेटी दी जाती है, वहाँ से बेटी ली भी जाती है। बाजान के लिए यह बात किसी धमाके से कम नहीं थी। उसको सांप सूंघ गया। खामोश क्यों हो गए बाजान? कुछ तो कहो। रमीज़ा ने बाजान के हाथ पर हाथ रखा। यह क्या बकवास है? उसकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। बाजान, मैंने भी जब से यह जाना है मैं भी बहुत परेशान हूँ। क्या तुम्हारे बड़े अब्बू तुम्हारी खातिर इस फजूल रस्म को ख़त्म नहीं कर सकते? जानते हो, मेरी सिर्फ एक ही फुप्पो थी। उनके प्यार के खातिर बड़े अब्बू ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर फुप्पो की ननद से शादी कर ली। अगर वह इस रिवाज की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकते हैं तो फिर मैं किस खाते में हूँ? वह बेशक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन अपने उसूलों के भी बड़े पक्के हैं। बाजान बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। क्या तुम्हारे वालिदैन अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगे? बाजान सोच में पड़ गया। रमीज़ा ने बात ही ऐसी की थी। अपने माँ बाप और बहन को राज़ी करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बताओ, तुम्हारा भाई राज़ी हो जाएगा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बड़े अब्बू उसे मना लेंगे। तुम्हारे भाई को मैं जानता हूँ, वह एक नंबर का ज़िद्दी है। वह कैसे मेरी सीधी सादी बहन को कबूल कर लेगा? बाजान, बस तुम अच्छी उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। रमीज़ा ने उसे तसल्ली दी और खुद रुआशी होने लगी। अभी उस पर मोहब्बत का भूत सवार था और मोहब्बत इंसान को रुश्वा भी कर देती है। उसने घर में आते ही हाथ में पकड़ा टूटा जूता सहन में फेंका था। आज का दिन ही उसके लिए ख़राब था। वह पथरीले सहन में नंगे पाँव चलती अब्बी के कमरे में पहुंची थी, लेकिन बाजान को बैठा देखकर उसे हैरत ने घेर लिया। बहुत दिन बाद उसने भाई की सूरत देखी थी। बाजान 13 साल का था जब अब्बी ने उसे पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया था। बाजान ने इंजीनियरिंग शहर से बाहर ही की थी। पहले तो वह उसे मिलने आ जाया करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका आना बंद हो गया। जब वह इस शहर में शिफ्ट हुए तो वह माही की ही गैर मौजूदगी में चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन आज वह उसकी मौजूदगी में ही मौजूद था। वह सलाम करती अब्बी के साथ बेड पर आकर बैठ गई।